अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इज एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। व्यूअर्स, ये प्रिंटेड शर्ट है जो मैंने कट करके रख ली हुई है, और ये देखिए इसका जो गला है वो बिल्कुल राउंड है, लेकिन नीचे पट्टी है और पट्टी में बिल्कुल पिंक कलर सादा सा है। तो मैंने सोचा कि इस पट्टी को थोड़ा सा जो है इन्हेंस किया जाए, तो उसके लिए मैंने लेसिस का यूज़ करना है। सबसे पहले ये मेरे पास शर्ट से बचा हुआ कपड़ा था और फ्यूजिंग मैंने गले के मुताबिक कट कर ली है, तो अब मैं इसके उल्टी साइड पर ये फ्यूजिंग जो है वो आयरन से चिपका दूंगी। सबसे पहले इस तरह से इसको आयरन कर लेंगे। देखिए, इसके साइडों को भी इस तरह से मोड़ लें अंदर की तरफ, इससे बहुत फिनिशिंग आ जाती है। और बस इसके ऊपर फिर हमने सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब इसमें से हम फालतू कपड़ा कट कर लेते हैं साइडों वाला, और फिर किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच कपड़ा हमने कट कर लिया है। अब हम ये किनारे जो है मोड़ के, जो हमने आयरन से ऑलरेडी अच्छी तरह सेट कर दिए हैं, अब इसके ऊपर हम इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये किनारों पर सिलाई कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए इस तरह से नीचे से बहुत फिनिशिंग के साथ आ जाता है। इसके किनारे बहुत फिनिशिंग के साथ आ जाते हैं। बीच में हमने निशान लगा दिया है, शर्ट का भी गले का बिल्कुल जो दरमियान है उसको निशान लगा लेंगे। देखिए इस पर हमने इस तरह निशान लगा लिए। अब हमें ये इसके साथ सीने में आसानी होगी, लेकिन अब सबसे पहले हम पट्टी तैयार करेंगे। पट्टी तैयार करने के लिए पट्टी के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा मैंने ये पेपर लिया है, और इसके ऊपर ये साइड वाली पट्टी में जो कि जीपी लेस कहलाती हैं, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। स्लीव्स की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ व्यूअर्स, और उसमें भी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने जॉइंट लेस और ये वाली लेस जो है वो यूज़ की हुई है। अब हम ये जॉइंट लेस जो है इसको जीपी लेस के किनारे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सिलाई करने के बाद अब इसकी दूसरी जो साइड है उस पर भी हम जीपी लेस यूज करेंगे। पहले इसको काट लें। दूसरी साइड देखें, यहाँ से हमने वो जीपी लेस को सेट कर लेना है। इसकी सेटिंग को अच्छे से कर लें इस तरह से कि इसकी जो नोक है उसका कॉर्नर बने। ये चकोर स्टाइल में मैंने यहाँ पर बना दिया है इसको। छोटी वाली जीपी लेस को आपने इस ज्वाइंट लेस के नीचे ही रख के सिलाई लगानी है। इस तरह से ये हमारी बीच की पट्टी तैयार हो गई है। बाद में हम जो पेपर है या कागज़ वो कट कर लेंगे, निकाल लेंगे, और ये आराम से निकल भी जाता है। बिल्कुल बीच की पट्टी के ऊपर हम इसको गले से थोड़ा ऊपर की तरफ निकालते हुए सेट कर लेंगे। बीच की एक हम रफ सिलाई लगा लेते हैं। मैंने इसमें कुछ
पिनें भी लगा ली हैं एक दो, ताकि ये सेट हो जाए। पिनें निकालते जाएं और ये बीच की सिलाई लगा लें। ये सिलाई हम बाद में खोल लेंगे। अब हम किनारों पर जहाँ पे हमने के जॉइंट लेस को जीपी लेस के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाई थी, उस वाली सिलाई के ऊपर हम दोबारा से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह बेक करके सिलाई लगा लेंगे। ये पट्टी आपने थोड़ा सा गले से आगे करके ही निकालनी है, क्योंकि बाद में सिलाई में आएगी। इस तरह से बाकी का जो जो पेपर है इसमें, उसको निकाल लें। बीच वाली सिलाई जब हम उधेड़ लेंगे तो ये बीच वाला जो कागज़ का पीस है, ये भी आराम से निकल जाएगा। इस तरह से निकाल लें। बीच वाला पीस भी हम निकाल चुके हैं। सिलाई उधेड़ने के बाद आप कागज़ को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो वो खुद बखुद निकल जाएगा। और ये देखिए, अब इसका बीच रखते हुए गले की सीधी तरफ हमने जो फालतू कपड़े के ऊपर फ्यूजिंग चस्पा करके सिलाई लगाई थी, उसकी सीधी तरफ को कमीज़ की सीधी तरफ के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा दें। और ये सिलाई हमारी हो गई है कंप्लीट। तो ये देखें, अब हम इसे आधा आधा इंच का फासला रखते हुए दरमियान से कट कर लेते हैं। और इसमें छोटे छोटे स्नेचेस या कट्स लगा लें। अब इसको नीचे की तरफ पलट दें। इस तरह आप चाहें तो किनारे पे सिलाई लगा लें, नहीं तो ऑप्शनल है। और हमने नीचे की तरफ जब इसको मोड़ दिया है, तो फ्यूजिंग वाले कपड़े के किनारे पे हम चाहें तो तुरपाई कर लें और चाहें तो सिलाई लगा लें। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर। देखिए, इस तरह से इसके किनारे किनारे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए, ये हमारा गला हो गया रेडी। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ लगे बेल को दबा देंगे तो मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगा। अब हम इसमें बटन्स यूज करेंगे। ये देखिए, बटन मैंने इसके अंदर टांग दिए हैं और ये जो है मेरे गले की फाइनल लुक आ गई है। और माशाल्लाह, ये बहुत प्यारी लग रही है। अगर कैमरे की आँख शायद इसको कैप्चर उस तरह नहीं कर पा रही जो के देखने में जितना कि सिंपल और खूबसूरत लग रहा है। ये जीपी लेस और बीच में मैंने जो है वो जॉइंट लेस यूज़ किए। नीचे ये पट्टी इस तरह से लगाई है और फिर इसके किनारों पर इस तरह से सिलाई भी लगा दी है, तो इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आ जाती है। और यहाँ पर आप चाहें तो सिलाई लगा लें, चाहें तो तुरपाई कर लें। Allah Hafiz.